हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मैं इस वक्त राजौरी गार्डन विधानसभा के वार्ड नंबर 95 विष्णु गार्डन इलाके में हूँ, और इस इलाके में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनका चुनाव प्रचार भी काफी तेज चल रहा है, और हर उम्मीदवार अपनी वायदों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन किस उम्मीदवार के वायदों के साथ आम जनता जाएगी या उनके वायदों पर भरोसा करेगी ये तो 4 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इस इलाके के बड़े मुद्दों की अगर बात करें तो इस इलाके में टूटी हुई सड़कें, इस इलाके की साफ सफाई जो कि साफ तस्वीरों में दिख रहा है, ये इस इलाके की बड़ी समस्या है, और ये चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी है। अरे रोहित चट्टी, पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इस इलाके की एक मेन रोड है, इस रोड पे किस तरह से अवैध कब्जा यानी अतिक्रमण किया गया है, और इसके साथ ही इस इलाके में एक आवारा पशुओं का भी सड़कों पे घूमना एक बड़ी समस्या है जिससे लोग निजात चाहते हैं। यही नहीं, इस इलाके की सड़कों की हाल काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, और ये तस्वीर भी बता रही है कि इस इलाके में सड़कों पे जो गड्ढे हैं उसको भरने का काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर साफ सफाई की बात करें तो चारों तरफ गंदगी का अंबार है, और यही सब बड़े मुद्दे होंगे आम जनता के इस वार्ड में चुनाव के लिए। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई का है जी, अवैध पार्किंग का है, अवैध रोडों पर कब्जे का है, और जी जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की कोई समस्या नहीं सुनता। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि परिवारवाद के खिलाफ हूँ मैं, अब उन्होंने यहाँ के जो सीटिंग विधायक हैं उनके ही घर में 2 टिकट दे दिए हैं, और उस परिवार का आचरण जो जनता जाती है कंप्लेंट करने कुछ करने उसके प्रति भद्र भाषा से प्रयोग करते हैं कि तुमने वोट नहीं दिया जाओ यहाँ से। आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनप्रतिनिधि हम ये चाहते हैं कि जो जनता की सेवा कर सके, जनता के हितों की बात कर सके। आज की डेट में जो इतने सालों से इस बार विधानसभा में जो राज करते आए हैं, 25 साल से एक ही परिवार लगा आया है, जो परिवार अपने घर के एरिया के क्षेत्र को नहीं सुधार सका, जिसके घर के नज़दीक आप देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है, एनडब्ल्यू नर्सिंग गार्डन पे पूरा बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि वहाँ की जनता इतनी परेशान है। हमारे चंदेला जी, आज मैं 91 से इस विष्णु गार्डन वार्ड में रह रही हूँ। 91 से जब से मैंने वोट डाला, पहला वोट मैंने भी चंदेला जी को डाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई ये कैसी सरकार होगी, ये कैसे लोग होंगे। अब सारा कुछ इनके परिवार में ही है, कोई लेडीज अब जैसे पानी से परेशान है, लेडीज इकट्ठी होकर इनके दरवाजे पर जाती हैं तो ये भगा देते हैं, है अगर किसी काम के लिए भी जाती है, किसी ने पहचान पत्र बनवाना है, किसी ने राशन कार्ड बनवाना है, या किसी भी तरह की कोई परेशानी लेके अपने प्रतिनिधि के पास जाती हैं, लेकिन वह प्रतिनिधि उनकी सुनता नहीं है, पहले उनको बहुत दुखी करता है और गालियां देता है। अगर सरदार लोग सिख फैमिली आ जाते हैं उनको बोलता है जी आपने सरदार को वोट दिया था, आपने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए हम आपको कोई काम नहीं करेंगे। उनको गंदा पानी मिलता है नाली का पीने के लिए, सीवर का पानी, और एक चीज़ और है जो किसी हमारे जो समर्सिबल जो पंप लगे हुए हैं उसमें सीवर का पानी अंदर जाके जो ग्राउंड वाटर है वो भी जहरीला हो गया, पानी जहरीला, हवा जहरीली, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं। मस्जिदों में 15 आजाद दे रहा केजरीवाल, मंदिर में आ तक कुछ दिया है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार केजरीवाल सिर्फ कर रहा, कुछ नहीं कर रहा काम आम आज तक। विष्णु गार्डन इलाके में जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, यहाँ के अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ के मतदाता एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो कि उनके बीच हमेशा रहे, और जो समस्याएं पिछले कई सालों से लंबित पड़ी है उसका निदान करे और क्षेत्र का विकास करे। ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का इस इलाके के लोगों ने मन बना लिया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र नेगी के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।